माने तो मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे अवार्ड लेने के लिए। उन्हीं के साथ मतलब उसी स्टेज को शेयर करता हुआ मुझे भी एक अवार्ड मिला है। तो खैर, अपना काम जब अप्रिशिएट होता है, जो काम हम करते हैं लोगों तक पहुँचता है, उसे लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो खुशी तो होती है। और वही अप्रिसिएशन का एक तरीका है जिसे अवार्ड जो दिया जाता है, तो अवार्ड मिला है, आई एम ऑब्वियसली ऑनर्ड। मैं वेरी फ्रैंकली कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं ज़रा मीडिया शाय टाइप का आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देता नहीं हूँ, मैं ज़रा कम दिखाई भी देता हूँ, पर मैं अपने काम पे बहुत फोकस करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे जितना जाने, मेरे काम की वजह से जाने। मैं अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर भी नहीं करता, ना ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा पुट अप करता हूँ मैं अपनी लाइफ को। तो जनरली बस मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना काम बेस्ट करूं और मेरे काम की वजह से ही मैं जाना जाऊं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये इतना सुंदर सा अवार्ड मिला, और जब आपका काम अप्रिशिएट होता है हर किसी को अच्छा लगता है। सो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मेरे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मुझे अवार्ड दिया गया। अभी तक तो मेरा नॉमिनेशन ही नहीं हुआ है, ये तो मेरा 2019 में डेब्यू आएगा डार्लिंग, ये तो अभी, ये तो मुझे इन्होंने दिया है, पर नॉमिनेशन किस में नहीं हुआ है। This year, I am not nominated as a debutant. Okay. I am in 2019 debutant. Okay. So I think mera nomination agle saal hoga. Okay. So I'm really looking forward for that. This is my first award. That's why I'm saying. So abhi ye shuruaat hui hai mere awards ki, and I'm really really grateful. Okay. Bahut sari taiyariyan chal rahi hain, and I'm just taking time because mujhe aisa lagta hai koi bhi cheez karo to bahut shiddat se karo. Jab man kare karne ka tab karna chahiye. So ab jo bhi main karungi, I'm really hoping ki jaise Manikarnika sabko achhi lagi waise hi next acha. Okay. For the first, main bahut hi तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ 10th न्यूज़ मेकर अचीवर अवार्ड 2019 की, जो कि विभिन्न क्षेत्र से, जैसे कि लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री वर्ल्ड से हो, चाहे वो मॉडलिंग वर्ल्ड से हो, चाहे वो बॉलीवुड वर्ल्ड से हो, खोज के उन चुनिंदा कलाकारों को लेकर के आता है जो कि बहुत अपने जगह पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मैं भी यहाँ पे एज अ बेस्ट सुपर मॉडल ऑफ द ईयर के हिसाब से मेरे को ये अवार्ड मिला है। सो वेरी यहाँ पे मैं किसी एक को नहीं देख सकती, हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है। तो मेरे लिए हर वो बंदा जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपने लाइफ को अचीवमेंट्स पाने के लिए अपने देश को प्राउड फील करा रहा है, वो हर कोई बंदा अचीवर है मेरे लिए। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, मेरे लिए सारे अवार्ड स्पेशल रहते हैं, मेरे लिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है। ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहा मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए। हाँ, मैंने आज जो ड्रेस पहनी है वो बहुत अच्छी है। ओके, तो किस तरीके का ड्रेस पहनना पसंद करती हैं आप? मैं हर टाइप, हर अवार्ड शो में अलग अलग ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ, कभी शॉर्ट ड्रेस, कभी लॉन्ग ड्रेस, कभी बॉय गाउन। अगले आने से पहले मैं ऐसा समझ नहीं पा रहा था, बट यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छा अवार्ड था, और जिनको भी मिला वो सब खुशनसीब हैं जिनको ये अवार्ड मिला। देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया में आज की तारीख में सच बोलना सबसे मुश्किल काम है, और ये सच की वजह है कि आपने देखा होगा स्टेज पे भी कि उनको लग रहा है कि शायद मैं गालियाँ देता हूँ। खैर, सच तो मैं बोलता हूँ और बोलता ही रहूँगा, बट बहुत मुश्किल भी रहा है। बट मेरे ख्याल में मुश्किल होने के बावजूद देखिए आज अवार्ड भी मिला है उसी सच की वजह से, तो अच्छा लग रहा है। देखिए, इसके बाद नया करना यही है कि भाई फिल्में बनाना, तो इंशाल्लाह इस साल हम दो फिल्में बनाएंगे। अवार्ड किसको बुरा नहीं लगता है, मुझे जो मतलब ऐसे बहुत कुछ अवार्ड आजकल निकले हैं, वैसे अवार्ड लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा जो अवार्ड है वो लेना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इसलिए चुना, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को यह अवार्ड मिलना अच्छा लगता है। सभी नहीं अवार्ड अच्छे लगते, लेकिन स्पेशल अवार्ड बहुत अच्छे लगते हैं। आशुतोष, हाँ, मैं वहाँ गई थी पद्मिनी कोल्हापुरे, मेरी भाई की मतलब लड़की है, मतलब मेरी बुआ की लड़की की लड़की, तो मेरा भांजी हुई वो, भांजी ना, भांजी हुई, तो वो उसने कहा कि मेरे सेट पे आइए, प्लीज़ आइए, तो आशुतोष ने बोला कि आप प्लीज़ आइए। मैं वहीं थी लोनावाला में, तो मैं गई वहाँ पर, बहुत अच्छा सेट था, बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, मतलब बहुत
ये कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, बहुत सब अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए वहाँ पर तनुजा का लड़का का नाम मोनिश बहल, वो नाना जी का काम कर रहे हैं और उसकी बीवी है, तो बहुत अच्छा लगा उनके पर। ऐसे शूटिंग में मैं जाती नहीं हूँ कभी। वैदेह जी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, वंडरफुल प्रोग्राम, आई हैव गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जब आए थे तभी भी बहुत अच्छा लगा, आज भी हम थोड़ा बैठे थे सुन रहे थे, अच्छा लग रहे थे। जो स्टाइल से अवार्ड हो रहा है, कोई अवार्ड फंक्शन ऐसा नहीं है। थैंक्स टू इनवाइट मी हियर। और मौसमी चैटर्जी का कम से कम 6 पिक्चर सिल्वर जुबली है मेरा म्यूजिक का, और आशा दीदी आशा ताई जी तो क्या बोलो, इन चीज़ें मैं वही स्टेज में बोला जो आसमान से कोई अगर तारे आए वही है आशा दीदी। ऐसा वर्सिटाइल सिंगर दुनिया में कोई नहीं है, उसका नाम है आशा भोसले जी, उसका नाम मैं बोल सकता हूँ आइकॉन है, बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर। बहुत बहुत अच्छा लगा आशा जी के साथ, और मैं दोनों मिलके हम लोग 500 गाना गाए। शी सैंग 500 सॉन्ग, हिंदी एंड बंगाली एंड सेपरेट सॉन्ग लाइक नमक हलाल, शराबी, गिरफ्तार, एतबार, हिम्मत वाला, ताकी ताकी। एंड प्रोग्राम वॉज फैंटास्टिक एंड आई एंजॉय, और मैं बहुत बहुत शुभकामना